रियल्टी डेवलपर्स सेंट्रल पार्क नोएडा प्रोजेक्ट में निवेश करेगा 2000 करोड़ रुपए। रियल्टी डेवलपर्स सेंट्रल पार्क ने निर्णय लिया है कि वे नोएडा में स्थित व्यावसायिक प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर 16 लाख वर्ग फुट का ऑफिस एरिया होगा और साथ ही साथ 16 लाख वर्ग फुट का आवासीय क्षेत्र होगा। सेंट्रल पार्क के MD अमरजीत बख्शी का यह कहना है कि यह प्रोजेक्ट साल के अंत तक खत्म हो जाएगा। गैर कानूनी निर्माण पर लगाम लगाएगा हाईकोर्ट पैनल। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़े फैसले में पैनल का आयोजन किया है जो गैर कानूनी निर्माणों पर अपनी लगाम कसेगा। हाल ही में चीफ जस्टिस गीता मित्तल और हरिशंकर सिविक बॉडी को यह कहकर कोसा था कि उन्होंने दिल्ली को एक बस्ती में तब्दील कर दिया है गैर कानूनी निर्माण के चलते। सुपरटेक ग्रुप 1500 करोड़ रुपए निवेश करेगा अपने प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक ने यह निर्णय लिया है कि वे 1500 करोड़ रुपए निवेश करेगा अपने प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए। कंपनी ने यह वादा किया है कि अगले साल मार्च तक वे सभी प्रोजेक्ट्स के करीबन 15,000 घर लोगों को दे देंगे। रेरा के आ जाने के बाद सुपरटेक के ऊपर ये दबाव है कि वे अपने प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा करें। अब गरीबों को मिलेगा 2000 प्रति वर्ग फुट के हिसाब से घर। बिहार सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग एंड स्लम पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है जिसके तहत गरीबों का सपना अब पूरा हो पाएगा। इस पॉलिसी के तहत जो घर 4000 वर्ग फुट या उससे ज्यादा के हैं उनमें से 15% घर गरीबों के लिए एवं निम्न आय वर्ग के लिए सुरक्षित होंगे। इस योजना के मुताबिक जिन लोगों की आय 3 लाख रुपए तक की है वे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की गिनती में आएंगे और जिनकी कीमत 3 से 6 लाख के बीच है वे निम्न आय वर्ग में शामिल होंगे। ग्राहकों को 31 जुलाई तक इंतजार करना चाहिए घर खरीदने के लिए। रेरा के आ जाने के बाद भी कई ग्राहक दुविधा में है और इसका कारण ये है कि वे समझ नहीं पा रहे कि क्या ये सही समय है घर खरीदने के लिए। रीमैक्स इंडिया के चेयरमैन सैम चोपड़ा का ये मानना है कि ग्राहकों को 31 जुलाई तक इंतजार करना चाहिए घर खरीदने के लिए क्योंकि इस समय कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे होने वाले हैं और कई ऐसे भी हैं जिनको पूरा होने में समय लगेगा। तो इसी लिहाज से घर खरीदारों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए ये देखने के लिए कि जिस प्रोजेक्ट में वो निवेश करना चाह रहे हैं क्या वो रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं।